गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमको ये सिटी इतनी अच्छी लगी है कि हमने हमारा स्टे इधर एक्सटेंड किया है बाय वन डे। अभी जस्ट हम लोग होटल रीबुक करके आए, फ्लाइट भी रीबुक करके आए, एंड देन इंस्टेड ऑफ चेकिंग आउट ऑन 6 वी आर गोइंग टू बी चेकिंग आउट ऑन 7। वी हैव नेवर डन दिस इन एनी ऑफ द सिटीज इन एनी ऑफ द कंट्रीज दैट वी हैव विजिटेड सो फार। एक्सटेंशन बहुत दुख हो रहा है कि अभी जल्दी ये ट्रिप खत्म होने वाला है। और ये आ गई हमारी मेट्रो जो हमें लेके जाएगी कबाताश पहले और उसके बाद टक्सकीम स्क्वायर। कबाताश कभी कभी इनफैक्ट हम ये सोच में पड़ रहे हैं कि इतनी सारी जो टैक्सीज रोड पे दिख रही है वो यूज कौन कर रहा है। और ये सेम क्वेश्चन हमको आया था ताइवान में, ताइपाई में रादर, क्योंकि ताइपाई का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अमेजिंग। आज पहले दिन हमने एक्चुअली मेट्रो पेड यूज कर ली और सुबह से हमारा अब तक 100 लीरा फटाक से चला गया है। थैंक गॉड हमारे ईद के छुट्टी में इतने सारे पैसे बच गए। या सो वी हैव कम एट द राइट टाइम बिकॉज़ 4 दिन हम लोग को फ्री मिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रादर। क्रूज तक फ्री मिला वो बहुत बड़ी बात है, मतलब 2 आवर्स की क्रूज थी। गाइस राइट नाउ द टाइम इज 8:00 इन द इवनिंग और ऐसा लग नहीं रहा है, राइट? लुक एट द सनलाइट। नॉर्मली विंटर में सनसेट जल्दी होता है लेकिन यहाँ पे देखो अच्छी खासी लाइट है। अभी फिलहाल वेदर है 14-15 degrees Celsius और थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना, आई मीन इट इज गोइंग टू कम अंटिल 9 degrees, बट टुडे आई हैव थॉट ऑफ जस्ट रिमूविंग द जैकेट। इट्स इनफ ऑफ जैकेट एंड वी आर एट वन ऑफ द वेरी फेमस जंक्शंस हियर व्हिच इज टक्सकीम स्क्वायर। अब तक आपने शायद गेस किया रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले भी आए 2 बार, एक बार जब लैंड किया और बस से आए तभी, और दूसरी बार ये स्ट्रीट विजिट करने के लिए। I guess these are tulips on sale. Are these tulips? Yes, tulips. This one. Oh, nice. चलो स्टार्ट करते हैं इनकी फेमस स्ट्रीट फूड से विच इज सिमित। और ये सिमित के अंदर भरेगा नटेला विच इज व्हाट स्वागता लव्स। जस्ट 2 दिन पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज की थी और तभी मुझे रेट मिला था यूएसडी के अगेंस्ट 14.60 और आज देखो क्या रेट है, आज है 14.65। फर्स्ट दिन जब हम लोग आए तभी था 14.30, 2 दिन बाद हुआ था 14.60 और अभी है 14.65। अभी सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुई है जो है भीड़। यहाँ पे मतलब वो तक्सकीम स्क्वायर जो स्ट्रीट है, हैपनिंग स्ट्रीट, वहाँ की भीड़। अभी 2 दिन पहले इट वॉज सपोज टू बी हॉलीडे वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, वॉट एवर इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड द भीड़ वॉज टू मच, देर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, बट आज को देख के लगता नहीं कि ये टूरिस्ट है, यहाँ के लोकल ही लग रहे सब लोग। हाँ एग्जैक्टली, बट टुडे इट इज सपोज टू बी एक्चुअली वर्किंग डे, सो वर्किंग डे भी इतनी भीड़। ये देखो अभी जिस रास्ते स्वागत एक्चुअली चल रही है उस रास्ते नॉर्मली छोटी ट्राम चलती है। वी स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम होटल बिकॉज वी थॉट दैट वी विल गेट अ ट्राम, बट आई डोंट नो मिलेगी कि नहीं। यही ट्राम की हम वेट कर रहे थे, अभी पता नहीं चढ़ने मिलेगा कि नहीं। ओ लोग चढ़े हैं, दैट मीन्स वी कैन क्लाइम, बट पूरी भरी पड़ी है। अभी जनरली यहाँ पे कॉस्मेटिक्स थोड़े से चीपर है, सो स्वागता ने लास्ट टाइम जो सिफिरा से लिया था, क्या लिया था स्वागता? ये मैंने मेकअप फॉर ऑल का फाउंडेशन लिया था जो दुबई मिलता है 285, यहाँ पे मुझे कितना मिला 229 समथिंग, राइट? आई मीन इन टर्म्स ऑफ दिराम, सो दैट मच डिफरेंस इज देयर, ऑलमोस्ट 50 दिराम का डिफरेंस। तो अभी और एक चेक करिए स्वागता। अभी नेक्स्ट जाते हैं LCY की, ये एक्चुअली दुबई में भी है लेकिन हम लोग अभी प्राइस कंपेयर करना है। लुक्स लाइक यहाँ पे क्लोथ्स भी थोड़े से चीपर है क्योंकि LCY की एटलीस्ट मैं ब्रांड चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पैंट्स है, ये जो शॉर्ट्स मैं लेता हूँ वो कम से कम 59 दिरहम वगैरह उधर मिल जाती है और यहाँ पे वो समवेयर अराउंड 40 दिरहम में मिल रही है। 40 डिग्री अभी हमेशा मेरा प्रॉब्लम मेरे साइज का ही है। डबल XL साइज चाहिए तुझे, देख इसमें है क्या फटक से। Okay guys, let's try some handmade pasta. Pasta is making. Pasta. Bakshish. Bolivia. Where are you from? India.
तो हम यहाँ आए हैं ये हैंडमेड स्पेगेटी ट्राई करने के लिए. एक्चुअली ये डिश मिलता नूडल्स के साथ, लेकिन उसने हमको दिया खास स्पेगेटी के साथ. सो इसमें है और चिकन, मशरूम है और शिमला मिर्च है एंड कॉर्न भी है. कॉर्न किधर है? कॉर्न इसमें एकदम छोटा छोटा है. ओके ट्राई. इट्स गुड. हर टर्किश टी के नीचे ये सेम प्लेट होती है ना हमेशा. और ये रही अभिषेक की टर्किश टी विदाउट मिल्क विदाउट शुगर. और भाई ये कितना भी खा लो मन तृप्त होता ही नहीं है. सो वी हैव कम अगेन फॉर बेक पोटैटो. बड़ी लंबी लाइन है अगेन. सो जो हमने स्पेगेटी और टर्किश टी ली उसकी कॉस्ट थी 90 लीरा और अभी ये बेक पोटैटो जो खा रहे हैं हम लोग इसका है 50 लीरा. तो ऐसा चीज़ दुबई में भी मिलता है एक्चुअली, लेकिन जितना ऑथेंटिक यहाँ पे मिलता है उतना ऑथेंटिक दुबई में नहीं मिलता. और दुबई में खाली ग्लोबल विलेज में मिलता है. हाँ बाकी इधर भी नहीं मैंने देखा ये टर्किश पैवेलियन के सामने. बट उधर भी इतना ऑथेंटिक नहीं मिलता जितना है. हाँ और इधर बहुत भर के डाला वो लोग ने. भर के अलावा जो कुछ टिपिकल मसाले है ना टिपिकल टर्किश लग रहे हैं जो उधर नहीं लगते. हाँ और तूने सब कुछ गिरा दिया साइड में. ओवरफ्लो हो रहा इतना भरवर की दिया उन्होंने. गाइस अगर आपको पता हो कि इतने बड़े पोटैटोज विद सच अ थिक स्किन किधर मिलते हैं या फिर किधर उगते हैं, आई मीन वेयर दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इधर टर्की में. ये टर्की पोटैटो ही है? पता नहीं मेरे को, लेकिन टर्की का डिश है इसलिए मैंने बोला टर्की पोटैटो. नहीं देन इट मस्ट बी अ टर्किश पोटैटो ओनली, क्योंकि बाहर किधर देखा नहीं, इवन यूएस में भी नहीं देखा है, किसी भी कंट्री में इतना बड़ा पोटैटो देखा नहीं है. आई मीन ग्लोबल विलेज में जैसे कि मैंने देखा है, लेकिन वो टर्किश डिश ही है राइट, तो टर्की से ही आते रहेंगे. सो शायद इधर इतने बड़े पोटैटो उगते हैं. ओके नाउ टाइम टू हैव सम शेल फिशेस व्हिच इज फेमस हियर. व्हाट इज दिस कॉल्ड? बीटे. खा के देख. खा के लेमन डाल उसके ऊपर. राइस ऑल्सो इज देयर? हां शायद इसमें राइस भी स्टफ है मुझे लगता है. टिश्यू पेपर. ओके इसमें शेलफिश है और उसमें राइस थोड़ा सा सॉफ्ट है और उसमें लेमन डालते हो लोग. एंड नाउ इट इज स्वागतस टर्न टू ट्राई. गुड. यहाँ पे ये बहुत फेमस है, हर एक स्ट्रीट पे मिलता है. वन अभी हम लोग यहाँ अभिषेक के लिए थोड़ा सा शूज देखने के लिए. बट 499 और 399 के लिए इतने खास शूज है नहीं है. ठीक है ओल्ड डिजाइन है एकदम. ये सच में अच्छे हैं बट ये हेवी है. मेरे को ऐसे हेवी शूज नहीं अच्छे लगते. यही मैं बोल रहा था स्वागता. दिस इज वेरी फेमस. ये दुबई मॉल में भी है. ये क्या है? स्वीट्स और कॉफी. भीड़ देख. और रात के 12 बजे. बाप रे. ऐसा लग रहा है गोल्ड ही है. और ये सब टर्किश कॉफीज है. अभी पता नहीं कौन सी कॉफी अच्छी है. अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12 o'clock इन द नाइट और ये इस्तिकलाल स्ट्रीट उतनी भरी पड़ी है जितनी थी जब हम लोग आए. Look at this guys. क्या ये कभी शांत होती रहेगी? सो अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजे और क्लाइमेट हैज कम वेदर हैज कम डाउन टू 7 to 8 डिग्री सेल्सियस और जो विंड ब्लो हो रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अगर आप फैन आइस पे रखोगे मतलब बहुत बड़े आइस क्यूब पे रखोगे और पूरा शरीर पे लोगे वो हवा तो कैसी आएगी. वैसी चिल्ड विंड आ रही है एकदम. और तूने आज के वेदर को इतना अंडरएस्टिमेट किया और बोल रहा है कि नहीं आज 16-17 डिग्री है लेकिन एक्चुअली दोपहर या दोपहर में 16-17 था तो मेरे को लगा रात को इतना नहीं जाएगा क्योंकि कल तक दोपहर में भी ऑलमोस्ट 11 to 12 रहता था और रात को फिर 7 to 8 जाता था. अभी हालत खराब में तो बैग पूरी सामने लिया मैंने उसमें हाथ डाले और ये लड़का विदाउट जैकेट घूम रहा है. इवन वो होटल वाला वो भी बोल रहा थी कि आप विदाउट जैकेट कैसे घूम सकते हो. ये ऐसा एक ही लड़का है पूरे इस्तांबुल में अगर आपके आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो. लोग इसको इस नज़र से देख रहे कि ये किस गोले का इंसान है क्योंकि यहाँ का तो लग नहीं रहा है ना पतला टी शर्ट और इतनी ठंड हवा में. Thank you.
ये